उसकी जो क्रिमिनल रिविजन है वो दायर हो चुकी है और उनके ऊपर नंबर भी लग गया है। और जो तोशा खाना पार्ट 4 स्टार्ट किया गया था उसके अंदर भी हमने आज सुबह ही खान साहब और बीबी साहबा की प्री अरेस्ट बेल जो है वो ले ली। तो लिहाजा फिलफौर इस फैसले के बाद फिलफौर दोनों को रिहा करना इंशाल्लाह। अभी किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं है? नहीं, अभी तक हमें कोई इत्तला नहीं है कि वो गिरफ्तारी है, लेकिन ये किसी वाली बेल्स के अंदर गिरफ्तारी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर करूं कि हम तीनों जो बेल्स खारिज हुई हैं उनके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में जा चुके हैं और वहां पर हम इस्तदा कर चुके हैं कि ये प्रीवियस बेल्स जो हैं वो ली जाएं, क्योंकि हमने क्रिमिनल रिविजन के अंदर जाकर ये इस्तदा की है। अब देखते हैं, उसके अंदर नंबर लग चुका है। अदालतों का काम है फंडामेंटल राइट्स की जो है प्रोटेक्शन करना, लोगों को के बुनियादी हकूक की हिफाजत करना, फेयर ट्रायल देना, प्रोटेक्शन देनी चाहिए और खान साहब और बीवी साहबा को फिर फौर रिहा करना चाहिए। और नैब का जो नोटिस है जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है, उस नैब के जो नोटिस हैं उनको वैसे हमने चैलेंज किया हुआ था, लेकिन उस नैब जो नोटिस भिजवाए गए थे हमने उस नैब वाले नए केस के अंदर प्री अरेस्ट बेल्स आज सुबह ही ले ली। ऑलराइट।